नमस्कार दोस्तों, सभी छात्र और छात्राओं के लिए आज की बड़ी खबर मगध विश्वविद्यालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी छात्रों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी निकल कर आया हुआ है। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी ही खुशखबरी निकल कर आया हुआ है, पूरा खुशखबरी नहीं निकल कर आया हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी खुशखबरी निकल कर आया हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो थोड़ी खुशखबरी क्या है। चलिए जान लेते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं जो है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन वाली घंटी को भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी खुशखबरी क्या है, कल से यूनिवर्सिटी जो है 25 अप्रैल से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। जी हां दोस्तों, 25 अप्रैल से जो है यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, कल से यूनिवर्सिटी खुलेगा, लेकिन उसमें भी गाइडलाइन जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, एक नजर और है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक चिंतित गणित वाली बात और है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं चिंतित गणित वाली क्या बात है। चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए राज्य में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, 12,672 मरीज मिले हैं, यहाँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग सावधान रहें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाकर रखें, 2-3 फीट 4 फीट जितना भी आपका मन करता है उतना दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है, खास करके इन हमारे देश के नौजवान और छात्र छात्राओं के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पूरी अपडेट। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि बिहार में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन चुका है। शुक्रवार को बना एक दिन में 12,672 नए कोरोना संक्रमित। जी हां दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि 12,672 नए जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं मिले हैं, जिसमें दोस्तों 54 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां पर देख सकते हैं जो मैंने गोल रेखा खींचा है, 54 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में एक दिन में 10,847 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर से बहुत तेजी से यह वायरल भी हो रहा है। अब मैं आप लोगों को एक नजर यह बताना चाहूंगा कि कल से यूनिवर्सिटी जो है खुल रहा है, कल से यूनिवर्सिटी खुलेगा, तो उसमें गाइडलाइन जारी ये की गई है कि आप लोगों जैसे कि कोई भी छात्र छात्राओं का जरूरी डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है या जरूरी डॉक्यूमेंट निकलवाना है या डॉक्यूमेंट ले जाकर यूनिवर्सिटी में जमा करना है, तो आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जरूरी ले जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखें। दूसरी बात, आपका एग्जाम फॉर्म एग्जाम से रिलेटेड या रिजल्ट से या किसी भी तरह से कोई पूछताछ कर रहा हो तो बारीकी से आप जाकर मतलब पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप लोगों को दूरी तय कर ही पूछताछ करनी है और मास्क जरूर लगा कर जाना है, अन्यथा आपको वहां से वापसी कर दिया जाएगा। आप जब तक मास्क लगा के नहीं जाएंगे तब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दिया जाएगा। किसी भी छात्र छात्राओं का जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, फंसा होता है नौकरी देखने के लिए या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें जरूरी होता है उनको अप्लाई करने के लिए, तो आप जरूरी अपना डॉक्यूमेंट जाकर निकलवा सकते हैं, जरूरी अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही के लिए है यूनिवर्सिटी खुला रहेगा, जिसके तहत आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक। अब बात करते हैं, यहां पर आप लोगों को यह बता दूं मैं कि जो भी ऑनलाइन जो प्रोसेसेस होने वाला है उसको बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बात कर लेते हैं 2018-21 के स्टूडेंट्स की, ठीक है। 2018-21 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम फॉर्म को लेकर आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एग्जाम हमारा कब होगा, एग्जाम फॉर्म हमारा कब फिल होगा, एग्जाम फॉर्म 2018-21 वालों का ऑनलाइन बहुत जल्द फिल होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमित से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन होगा, जो मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से आप लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हैं और भर सकते हैं अपने मोबाइल अपने खुद से, जिस मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन से आप खुद घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम फॉर्म जो है ऑनलाइन बहुत जल्द फिल होने वाला है। ये यूनिवर्सिटी कल ओपन होगा, उसके बाद नया नोटिस 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, आप लोग इंतजार करें। बात कर लेते हैं वहीं एग्जाम जो सेशन 19-22 हैं, चाहे और भी जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट को लेकर, पेंडिंग का रिजल्ट को लेकर, मार्कशीट को लेकर और अपना क्या कहते हैं एग्जाम फॉर्म को लेकर, एग्जाम को लेकर ये सब चीज़ें जो आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन जो है आप लोगों का बहुत जल्द जारी किया जाएगा। पेंडिंग वाला रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है, इसमें सुधार की जाएगी, क्योंकि अब जो है प्रोसेसेस चालू होने वाला है। सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है, ठीक है। तो वीडियो के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल पर नहीं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए,
पल पल की अपडेट जो है आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, इस चैनल से बने रहें। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए ये भी अपडेट जारी किया गया है कि ऑनलाइन जो है यूनिवर्सिटी सारा काम करेगी, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों का क्लास लिया जाएगा, ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन आप लोगों का सारा कुछ आप लोगों का ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ये ध्यान रखें सभी छात्र, अब किसी भी छात्रों का कोई भी चीज़ें बर्बाद नहीं जाएगा, यार से आप लोगों का बर्बाद नहीं जाएगा, आप लोग सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर। यदि अगर आपके कोई भी रिश्तेदार या आपके घर वार या कोई भी अगर लोग बाहर फंसे हुए हैं, अगर बाहर जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि घर में हमारे जैसे कि गार्जियन के रूप में हमारे फादर होते हैं, हमारे रिलेशन में जो भी लोग हैं, अगर आपके बिहार से बाहर कोई लोग काम करने के लिए गए हुए हैं बाहर या कहीं भी गए हुए हैं बाहर अगर रह रहे हैं, तो उनको बुलाइए, उनको बोल दीजिए कि आप अपने राज्य में आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार के कई स्टेशनों से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है, हालाँकि ये अभी तक की मतलब बात है, ठीक है। आगे तक मतलब कभी कुछ भी हो सकता है, बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगा अगली बार की तरह। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 2 महीने 2.5 महीने तक जो है आप लोगों का पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो ध्यान रखें कि इस साल इलेक्शन जो चल रहा है इसी की वजह से ट्रेन व्रेन जो है चल रहा है, इस बार सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, कोरोना संक्रमित बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ध्यान रखें कि सब कुछ बंद होने वाला है। आप लोग जो भी आपके रिलेशन में आपके घर बार जो भी फंसे हुए बाहर उनको बुला दीजिए, यह हम आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट खबर लेके आएंगे अपडेट बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।